अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू पुट एन इमेज इनटू कैनवा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट गो टू कैनवा। सबसे पहले आप कैनवा पर जाएं। अच्छा, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। बहुत आसान सा काम है ये, हम एक सेकंड में कर सकते हैं। और जब मैंने ये सीखा था, बहुत मैं इस पर थोड़ा मतलब करती रहती थी प्रैक्टिस, और मुझे नहीं पता था कि कैसे करेंगे इसको। तो चले और हम स्टार्ट करते हैं। हम लेफ्ट साइड पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, एलिमेंट्स, वी विल गो देयर। और हम लिखेंगे फ्रेम्स, वी विल सर्च फ्रेम्स। फ्रेम्स पर आप जाएंगे तो देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर फ्रेम्स आ गए हैं। कोई भी शेप आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, किसी भी किस्म की शेप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आई विल सिलेक्ट सर्कल, और इसको आप अपनी स्क्रीन पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। देन वी विल गो टू अपलोड्स। अपलोड में जाएंगे और जो भी आपने पिक्चर इसमें इंसर्ट करनी है, आप उसको अपलोड फाइल्स में से जाकर आप उसको सर्च करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड एन इमेज, सो आई विल सेलेक्ट दिस। जस्ट वी विल ड्रैग द इमेज एंड पुट इट इनटू द फ्रेम। जस्ट इमेज को ड्रैग करना है और आपने उस पर ड्रॉप कर देना है। तो हमारा ये क्या होगा कि इस पर ये फ्रेम में इमेज आ जाएगी। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। इस तरीके से कोई फ़ोन है, किसी भी तरह की इमेज, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट इमेज पे आपने डालना है, अल्फाबेट्स में आपने डालना है, तो आप किसी भी इसी तरीके से आप डाल सकते हैं। हम ये मोबाइल फ़ोन इस पर डालते हैं। और एक मिनट ड्रॉप कर। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से हमने अपनी इमेज को किसी भी फ्रेम में ऐड करना। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, सो ताकि आपको आइंदा भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।